स्टूडेंट, आज मैं आपको साइंस का सेकेंड चैप्टर अर्थ साइंस का सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोर फ्रेंड एंड फो, मतलब ये आपके फ्रेंड है कि फो है, शत्रु है या मित्र है, फो ने शत्रु फ्रेंड है मित्र, या दोनों में से क्या है आपके, या तो आपकी हेल्प करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं, दोनों चीज इनके साइड में से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह हर चीज के भी एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। कुछ चीज अपने साथ अच्छी होती है तो कुछ चीज गलत, सिक्के के जैसे दो पहलू रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज से फायदा मिलता है तो उस चीज से हमें नुकसान भी होता है। जैसे कि आप अपनी मान लो उसका एग्जाम्पल ले लो कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। दूसरा नुकसान क्या है कि आप दिन भर 24 घंटे मोबाइल में रहते हो तो आपका वो बिगड़ जाता है, आंखों के नुकसान पहुंचता है। आपका चैप्टर टू है, आपका स्टार्ट कर रही हूँ आज। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर टू है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फो, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में आपको बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किसे अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, किस ग्रुप में वो जाते हैं, उसे अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि सेवरल काइंड के प्लांट और एनिमल आते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा कि हमारे अंदर बहुत सारे आपको प्लांट भी दिखते हैं, एनिमल भी दिखते हैं, और इसके अलावा उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसे हम कभी कभी नॉर्मली नहीं देख पाते, ठीक है ना, नहीं देख पाते ना आंखों से। तो उस चीज को जो भी माइक्रो से बाहर ही से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम नेट आई से नहीं देख सकते हैं, उसे अपन कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म, एकदम माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म जीव, हिंदी में सूक्ष्म जीव है, इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आपने देखा होगा रेनी सीजन में मोस्ट ग्रेट ग्रेट गेट्स स्पॉइल एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रीजी वाइपेजेस। आपने देखा होगा कि बारिश का सीजन है, मॉइस्चर के कारण जो ब्रेड है वो थोड़ी सी नम हो जाती है, उसमें ताप खींच जाते हैं, व्हाइट पेजेस उसके ऊपर अपने को दिखते हैं, ठीक है। दिस पेजेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको अपन ऐसे नहीं देख सकते नेट आई से, इसको अपन कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे अपन देखेंगे। तो आपको क्या दिखेगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से देखेगा। यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, आप देखेंगे कि इसमें छोटा छोटा ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर वेयर डू दिस कम, तो जी की ब्रेड तो अच्छी थी, इसमें ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया। इसके लिए एक्टिविटी आपको दो एक्टिविटी बताए, एक्टिविटी 2.1 एक्टिविटी 2.2, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, कुछ नमी मिट्टी को ग्रहण करो, ले उसको बीकर में भरो, वाटर भरो, फिर आप देखेंगे कि सॉइल पार्टिकल जो रहते हैं मिट्टी के जो कण रहते हैं नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप क्या देखोगे, इसका फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ पोल, तालाब का पानी ले लो, इसके बाद इसे ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप में, तो आपको पानी में भी क्या दिखेगा, मतलब पानी में क्या दिखते हैं ना, वो उससे भी बारीक रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस ऑर्गेनिज्म, ये ऑब्जर्वेशन अपन करेंगे माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आप क्या देखोगे कि इसमें क्या रहेगा, वाटर और सॉइल में क्या रहेगा, आपको बहुत सारे बारीक ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, टीनी ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, जो कि कैटेगरी में आते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स आर सो स्मॉल, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे बहुत ही, जो माइक्रो सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं या माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं तो ये बहुत ही छोटे रहते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, फंगस, जैसे कि आपने देखा तो वो क्या आता, फंगस होता है जो कि अपना ब्रेड पे ग्रो करता है, जो ब्रेड देखी। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि अपन इसे माइक्रोस्कोप के बिगैर नहीं देख सकते, इसलिए इसका नाम क्या गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों पढ़ा, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं। अब आपको सिर्फ ग्रुप बता देती हूँ कि अब आपको ये तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि अपन जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है।
अब अपन देखेंगे कि इसको क्लासिफिकेशन किस चीजों में किया है। चार चीजों में इसको क्लासिफिकेशन किया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, एक फंगी होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, एल्गी होता है। ये कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फिगर किसमें दिखेगा, 2.1 से लेके 2.4 में दिखेगा। ये देखो 2.1 में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, 2.2 में इस तरीके के दिखेगा, 2.3, 4 ये सब किसके टाइप से, इसको अपन आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, ये वो वाले टाइप से इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये किस तरह कैसा स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोप से लिया गया। चार क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। वायरस, इसके बाद जो वायरस, अभी देखो आप क्या बोल रहे हो, वायरस बोलते, वायरस कभी किसी ने देखा या नहीं देखा, ये किससे दिखता है अभी अपना क्या फैल रहा है, वायरस से जो बीमारी फैल रही है, डिसीज फैल रही है, कोरोना वायरस, वो अपन कभी दिखता है क्या, कुछ बड़ा है क्या, नहीं है, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म है वो भी अपन माइक्रोस्कोपिक। अभी उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, क्राउन जैसा, लेकिन उसको किसी ने देखा है कि नहीं देखा, वो क्या माइक्रोस्कोप से ही अपने को दिखता है। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, बट ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दिख रही है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इससे जो वायरस है वो बहुत अलग तरीके का होता है। इसके अलावा आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिगर 2.4 में आपको क्या मिलेगा, वायरस मिलेगा। ये देखो वायरस, वायरस के ऊपर इस तरीके से क्या रहता है, इस तरीके के स्टैंड रहते हैं जिससे वो अपने बॉडी के अंदर घुसते, अपनी ब्लड में घुस जाते हैं और अपने को क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद कौन कौन सी डिजीज फैलती है, जैसे डिसेंट्री, अपने को उल्टी दस्त लग जाती है, जैसे हैजा या मलेरिया, ये किसके द्वारा फैलती है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किस में रहता, मादा एनोफिलीज मच्छरों के द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। ठीक है, और टाइफाइड और जो टीबी होती है वो किसके द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वायरस से अलग अलग डिजीज फैलती है, टीबी और डिसेंट्री। अब ये बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी एक सेल रहती है, सम एल्गी और प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर, लेकिन जो कुछ जो रहते हैं एल्गी प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर, जैसे एक से ज़्यादा सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन यूनिसेलुलर रहते हैं, एक सेल रहती है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाला, मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा, अपन क्या है मल्टी सेलुलर है क्योंकि अपने अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। एल्गी प्रोटोजोआ ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ये सब इन्वायरमेंट टाइप में पाए जाते हैं, ज़्यादातर ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जब पे ठंडे में ज़्यादा वृद्धि कर, जब पे मॉइस्चर नमी रहेगी, अभी के मौसम में ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ करते हैं, तभी कहते हैं कि पानी जो है बाल के इस मौसम में पीना चाहिए, क्योंकि पानी के कारण ही बीमारी अपने को लगती है। ठीक है, इसके बाद ये एनिमल की बॉडी में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो अदर ऑर्गेनिज्म वाइज अदर एक्सिस्ट में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वृद्धि करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हम किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है या हमारे किस तरीके से फ्रेंड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सम ऑफ दे आर बेनिफिशियल मेनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल, कुछ अपने अच्छे तरीके से हमारे लिए काम में आते हैं, कुछ बुरे तरीके से काम में आते हैं, मतलब कुछ हमारे लिए उपयोग वाले होते हैं, कुछ हमारे लिए अनुपयोग वाले होते हैं। अब फ्रेंड भी देखते हैं कि फ्रेंड टाइप में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर वेरियस पर्पस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज अब बता रहे फ्रेंड टाइप में बता रहे, ऐसा मत सोचना कि गलत है, में गलत तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, हार्मफुल भी करते हैं, बट सही तरीके में वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो या तो दही बनाने के काम में आते हैं, ब्रेड बनाने के काम में आते हैं, या केक बनाने के काम में, तीन चीज फ्रेगमेंटेशन की क्रिया जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होती है। तीन चीज हो गई, कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना और केक बनाना। इसके अलावा ये क्या यूज करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट,
जैसे कि ये जो अपना एनवायरमेंट इसको क्लीन भी करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल क्लीन हो गया, ये जो गीला कचरा सुगंधा से अपन अलग करते हैं, तो वो लेके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इससे क्या बनती, खाद बनती है, कहीं ना कहीं इससे कुछ काम हो रहा है। जब भी तो गीला कचरा से तो कचरा अलग होता है, गीला कचरा में अपन क्या डालते हैं, वेजिटेबल डालते हैं, फ्रूट्स डालते हैं, तो ये सबको सड़ाता कौन, डिकम्पोजिशन इसका कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए इसमें भी क्या है, मेरे तो उपयोग वाले हैं ना, अगर सड़ेंगे नहीं तो अपने काम के लिए सड़ते, जब भी तो वो काम के रहते हैं। तो ठीक है, तो ये इसके लिए अपने काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सड़ाने का काम कौन करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ये इसको तोड़ते हैं, और हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंस, यूजेबल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया इसके अंदर काम नहीं करता, कोई बैक्टीरिया आपने कभी देखा हो गोबर का कुछ दिन तक पड़ा रहता है तो उसमें कीड़े होने लग जाते हैं, क्यों होते हैं, अब कहीं से तो गाय ने तो नहीं करा उसको, लेकिन फिर भी इसके अंदर बारीक है, आप देखना कहीं कुछ दिन तक मन इसका पड़ा रहेगा तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी और क्या होने लग जाएगा, कीड़े हो, बारीक में कीड़े होने लग जाते, क्यों, कभी आप सब्जी आपको भी कभी आप नहीं फेंक पाए कचरे की गाड़ी में, तो आप देखना एक दो दिन के बाद उसके अंदर खुद ही वो गलने लग जाती है, उसके अंदर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ये कीड़े क्यों उत्पन्न होते हैं, ताकि वो उसको तोड़ सके या उसको डिकम्पोज कर सके, इसमें हार्मलेस सब्सटेंस है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी फॉर नाइट्रोजन, एग्रीकल्चर वे में क्या काम करता है, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब कर्ड और ब्रेड किस तरीके से बनती है ये चीजें बताते हैं आपको, ये लास्ट टॉपिक आपका मेकिंग ऑफ कर्ड इन ब्रेड, कल अपन पढ़ेंगे। यू हैव लर्न क्लास सिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मिल्क किसमें चेंज होता है, आपको इतना मालूम है कि दही से दूध से दही बनता है, दही किसके द्वारा बनता है, बैक्टीरिया के द्वारा। कर्ड कंटेंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि दही में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस होता है वो दही को इस तरीके से क्या करता है, फर्मेंट करता है, उसको सड़ाता है और दही काय में बदल जाता है, दूध काय में बदल जाता है दही में। इफ मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये मल्टीपल होते हैं मैक बैक्टीरिया के अंदर, वो मिल्क काय में चेंज होता है, दही में चेंज जाता है, कर्ड में बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया के आल्सो इन्वॉल्व किसमें होता है, चीज बनने में, चीज बनने में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, पीकर से मेनी अदर फूड आइटम, इसके अलावा अचार और दूसरे भी फूड आइटम होते हैं वो भी चीज पीकर और मेनी अदर फूड आइटम, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स रवा, इडली, भटूरा, इचकर, घी, गैस वाय, जो भी अपन इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जैसे कि इडली हो गया, भटूरा हो गया, इन सब में क्या डालते हैं, कर्ड डालते हैं, कर्ड इसलिए आपके बच्चे से फूल सके या फर्मेंटेशन हो सके। बैक्टीरिया और यीस्ट हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, राइस, इडली और डोसा के बैटर को फर्मेंटेशन करने के लिए, मतलब आसानी से अच्छा हल्का हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, तब जाके वो अच्छे से फ्लफ होता है, वो बनता है। ठीक है, इन सब में जैसे कि मतलब एक तरीके से कर्ड का बनना, इडली, डोसा, भटूरा, इन सब का बनने में क्या जरूरत रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत रहती है। तो ये इसका फ्रेमवर्क में बताया मैंने आपको, आज के लिए इतना ही, कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिविटी करके फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसे घर पे रीड करिए।